डरबे की खटाखट हो रही है दोस्तों, देखो आओ जिंदगी है लंबी चलते है जाना, जिंदगी है लंबी चलते है जाना, भाइयों कुछ भी करो लेकिन पहाड़ जरूर आना। गुड मॉर्निंग, चाय बोलो चाय गरम, चाय बोलो चाय गरम, कोई लाइट चाय चाय चाय, उठो लाल अब आंखें खोलो, अब मैं चाय लाई, चाय पी लो चाय। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, रुक रहे आज बिनु तखलिया तखलिया, तुरंत रुक रहे रुक रहे, ये हमें रोकना चाह रहे हैं मगर हम रुकेंगे नहीं, मैं साला रुकेगा नहीं, रुकेगा रुकना, चलो चलो चलो। वेरी गुड मॉर्निंग यो पहाड़ी, आज तीसरा दिन है और इंद्रदेव जी नाराज है, तो मैं चाह रहा हूँ कि नाराजगी दूर हो जाए और जल्दी से काम करने का मौका मिले। और जाना तो हमने आज ही था, आज जाना ही है हमने, क्योंकि बेसिकली हमने डिसाइड किया कि आज निकल जाएंगे, रेड अलर्ट की वजह से और बड़ों की एहतियात की वजह से हम नहीं निकले, तो आज निकलते हैं अपने डेस्टिनेशन को, रास्ते का सफ़र आपको दिखाएंगे जैसे पहले दिखाया है। तो आई विश कि जो मेन गाना है हमारा संदीप सोनुदा का, उनके गाँव में इतने अरेंजमेंट्स हैं, पूरा गाँव लगा हुआ है, बढ़िया, बारिश की वजह से थोड़ा कैंसिल हो गया सब चीज़ें, तो मैं चाह रहा हूँ आज वो अच्छे से हो जाए, रात को प्रैक्टिस बहुत की बच्चों ने और टीम ने, तो अभी सब जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, तो आप भी दुआ करिए, ये पहाड़ी जुड़ रही है। देखिए संदीप सोनुदा के गांव में क्या दिखा है, आर आर आर, अरे आर आर आर, यहाँ देखो आर 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 आर, ये भी आर आर आर, ये भी आर आर आर, ये देखिए सागर भाई, हाँ आपको आज सफ़ेद चमक मिलेगी क्योंकि आज उन्होंने दांत मल लिए हैं, तो पीली चमक गायब हो जाएगी। पीली चमक कौन सी वाली, कौन सी वाली, ये देखो सागर भाई दिखाओ तो इधर को, सागर भाई सफेदी तुझे सलाम। विशु भाई क्या होगा, देव आ रहा है, बारिश तो रुकाओ ना यार, इंद्र देवो, विशु अगर इसमें निकल जाएंगे तो, बारिश में मत निकलो यार, बारिश नहीं, ये इतनी हल्की में निकल जाएंगे तब थोड़ी दिक्कत कोई, अरे नहीं यार मत निकलो, दो चार दिन बाद निकलना, इसने ना बड़ी कल खाना पुनरावृत्ति लगा रखी भाई, गुड ठीक है, हम प्रयत्न करते रहेंगे, हम भी झुकेगा नहीं साला। पहाड़ी समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, इंद्रदेव आप तो हो गए नाराज, तो नाश्ते का समय हो गया है, फिर से खाना सोना खाना सोना यही चल रहा है, ठीक है, तो ये देखिए मैडम भोजन के लिए तैयार, सागर भाई दिखाओ, यो पहाड़ी ये देखिए कैसे एंजॉय कर रहे हैं, काम धाम की इनको पड़ी नहीं है, ठीक है, एक इंद्र देवता हमारे दुश्मन है, दूसरे दुश्मन ही है, देखिए खाए जाओ खाए जाओ खाए जाओ, अरे खाए जा रहे हो भैया यार, काम हम का क्या होगा ये बताओ, हैं दो लोग ही हमें परेशान कर रहे हैं, एक इंद्र देवता एक तुम, बहादुर को बुला रखा है अभी वीडियो बना रहे हो, अच्छा सागर कस्तो बनियो रामनो लागनियो, ये पत्थर के पहाड़ में मिट्टी के पहाड़ वाला डांस मत करे आप, ओहो हिमाचली डांस कर रहा है ये तो, गाना तेरे अंदर बज रहा है, गाना तेरे अंदर बज रहा है, मस्त वाला है। पहाड़ी और दो भाई लोग हमारे अपना गाना करके जा रहे हैं, पर इनको कुमाऊनी संस्कृति के आधार पर जिस तरीके से सब कोई कहीं जाता है तो पिठियां लगा के उसको उनको भेजा जाता है, उसी तरीके से इनको भी पिठियां लगाया जा रहा है आंटी द्वारा, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, देखिए सभी लोग परेशान हैं क्योंकि बारिश नहीं रुक पा रही है। माता रानी का माता से चलिए आगे देखो, चलिए आगे देखो।
गर्ल्स मेकअप कर रही हैं यो पहाड़ी, आज हम जा रहे हैं तो आपको तो अच्छे लग रहा होगा। खैर नहीं, बहुत बुरा लग रहा है। ओ फोटो कौन खींचेगा? ओ पार्टनर यार, आपसे तो मेरा मन नहीं भरता है यार, यहाँ चले जाऊँ आपसे तो अलग, हाँ अलग अटैचमेंट है। चलिए ख्याल रखिएगा, बेस्ट ऑफ लक, मुझे पता है आप रॉक करोगी, ठीक है? तो गुड लक, गुड लक, बाय 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 बाय। ओके ओके, यो पहाड़ी आप निकल चुके हैं, गाँव वाले ने बहुत प्रेम दिया, बहुत अच्छा काम हो गया, दीपूदा मनोलोदा का बहुत बहुत थैंक्स और सारे भाइयों का। ओके बाय 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 बाय, सबके पीछे गाय, बाय बाय। एक इमोशनल सा अटैचमेंट और साथ बन गया सबका, तो जुड़ रही है यो पहाड़ी। यो पहाड़ी पहाड़ी निकल चुके हैं, फिर से बताता हूँ यार, सच में बड़ा इमोशनल अटैचमेंट हो गया था सबसे, और बहुत अच्छे लोग थे संजीदा के मम्मी पापा और उनकी पूरी फैमिली ना, इतनी केयरिंग थी क्या बताएं। वो जो जो सिंगर होता है, जो एक आर्टिस्ट होता है ना सागर भाई, भाई उसकी बातों में, उसके संस्कार, उसकी सब चीज़ झलकती है, तो उनकी जो केयरिंग थी और अपने काम को लेकर डेडिकेशन था, मज़ा ही आ गया। हमारा टचवुड भगवान की वजह से टाइम पे हो गया काम, तो हम निकल रहे हैं और क्योंकि और काम भी हैं और फैमिली भी चिंता कर रही होगी इतने दिन से कहाँ है, नेटवर्क की भी प्रॉब्लम थी क्योंकि, और मुझसे एक गलती हो गई जिसके लिए सागर मेरे से नाराज़ है, वो जायज़ भी है। सागर भाई क्या गलती हुई मेरे से? और आए थे घर से, पैकिंग कर रहे थे, रेनकोट हाथ में भी आया, पर भाई ने रेनकोट उठा के साइड फेंका और बोला क्या जरूरत पड़ेगी इसकी, पर अब हमें पता चल रहा है कि एक्चुअल में क्या जरूरत पड़ रही है इसकी। अच्छा, तो मेरी भी आप लोगों से एडवाइस है, कभी भी ट्रिप के लिए निकले तो बहुत ही ब्रीफिंग के साथ अपनी पैकिंग करें, ताकि कुछ भी चीज़ छूटनी चाहिए, क्योंकि जब आप ट्रैवल कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, हाइकिंग हो ट्रैकिंग हो, तो आपकी आपका सामान ही आपकी पावर होता है, तो अगर वो आपने अच्छे से रख लिया तो कोई भी टफ टाइम में आपको हेल्प करेगा। तो जुड़े रहिए, अब सफ़र स्टार्ट हो गया है, वही चोटी से वापस आ गए हैं, अब दूसरी चोटी जाएंगे, बाइक उठाएंगे और निकल जाएंगे, तो जुड़े रहिए, प्यार बनाए रहिए यो पहाड़ी। आपसे होती है मुलाकात, गुड लक, बाय बाय बाय। और उसके लिए आपके शूट है, अब मुझे पता है आप धमाल मचाओगे, तो अपने आपके फैंस को आपके गाने का इंतजार है, तो दिखा दो कि पौन पहाड़ी सच्चा पहाड़ी है। धन्यवाद। ओके, तो राह में यूं ही पवन भाई से बात हो गई थी, वेरी नाइस पर्सन, और क्यों सागर भाई, बिल्कुल बहुत सॉफ्ट हैं और बहुत बढ़िया आदमी हैं, तो कॉमेडियन भी हैं और सिचुएशन को भी समझते हैं और बहुत बहुत प्यारे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, ऐसे ही मिलते रहेंगे सफर में। हेलो फ्रेंड्स, हम एक बार फिर वापस आ गए हैं। ये देखो संतोष भाई ना बहुत ज़्यादा चटक बनने थे, ये अपना रेनकोट लेके नहीं आया, तो देखो हमने इन्हें क्या बनाया है, अभी हमने काफ़ी लंबा जाना है और यहाँ पे संतोष भाई बढ़िया लग रहे हैं, पर अभी देखते हैं कि आगे अगर बारिश ज़्यादा तेज़ आती है तो हमें रुकना पड़ेगा, क्योंकि बारिश सुबह से हो ही रही है, नॉन स्टॉप हो ही रही है, तो अभी देखते हैं आगे हम कितना आगे जा पाते हैं। गाना गाओ, गाओ भाई, भाई आप परी नहीं परा लग रहे हो, इसलिए अच्छे लग रहे हो, आप मत करो डांस। यो पहाड़ी, न्यू डे न्यू जर्नी, और निकल चुके हैं हम बैक टू पवेलियन, अपने होम स्वीट होम की तरफ, तालों में ताल नहीं, ताल की तरफ। ये जो मेरा हाल तुम देख रहे हो, ये मेरा जो भी डिज़ाइन बनाया सागर भाई ने, ये सजा है, क्योंकि मैंने प्रिपरेशन नहीं करी थी, सागर ने बोला था भाई रेनकोट रख लिया, नहीं रख लिया, तो मुझे लगा था मैंने रख लिया, और रक्षक का भी मैंने कुछ रखा नहीं है ढंग का, तो ये गलती ना करें। तो अब सफ़र सुहाना है या डराना है, तो ये तो आगे देखते हैं, बट हम निकल चुके हैं तो भी सेफ, अभी तो हमारी मजबूरी इसलिए हम निकल रहे हैं, मगर आप लोग को कभी भी बरसात के समय में पहाड़ों में अगर ज़रूरत नहीं है तो निकलने का नहीं, ठीक है? तो जुड़े रहिए यो पहाड़ी। मौसम अपना हल्के हल्के रूप दिखा रहा है और रेड अलर्ट है और बारिश काफ़ी बढ़ती जा रही है, बट ये है कि हमें किसी भी हाल में जाना पड़ता है, चल रहे हैं, तो प्लीज़ ये अभी दूसरी की कभी ना करें। अभी रास्ते में कई जगह ऐसी पैचेस थे जहाँ पर हम चल नहीं पा रहे थे, मतलब बाइक नहीं चल पा रही थी, हमने रुक के उसको पुश करके आगे करा कि कीचड़ था उस जगह पर, तो अभी जो जगह है अब यहाँ पर रास्ता साफ है, बट बारिश बहुत तेज़ हो चुकी है, तो अब परेशानियाँ क्या हैं, हाथ पाँव ठंडे होने लग गए, तो मैं सागर भाई से पूछा कि कोई ऐसी जगह पर जहाँ पर कुछ रेनकोट या टेम्परेरी कुछ मिल जाए वो लेना है, तो अभी उसको लेके हम आगे चलते हैं। मैंने एक शॉप मिली और ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पैड देखो इसको कैसा कलर कर दिया मैंने, ये कलर है भैया मेहंदी, ये कलर ही है, कलर है, अरे ऐसे कलर नहीं करना चाहिए, खुजली उजली हो जाती है। चल हम बरसाती लेते हैं फिर निकलते हैं। मान लिया आई गॉट दिस बरसाती, डूबते को तिनके का सहारा, तो ये भी अपना सहारा है। सागर भाई
भाई यार अब हम निकल चुके हैं, अब हम बराबर बराबर हैं, बराबर हुए हैं। अरे इसने ब्रांडेड पहना ना, मैंने ब्रांडेड नहीं पहना। तो सारा भाई कौन सी जगह है ये? है अभी हम विक्का सैन में है भाई। साल मारंग थप्पड़ बेरी नागे, पता होता है कुछ भी खाली खाली उल्लू बनाया था यार जनता को। तो बेरी नाग से निकल गए, बस निकल ले। हाँ 300 किलोमीटर की दूरी में से हमने एटलीस्ट 100 किलोमीटर कर लिया है। अब आगे का देखते हैं, तो जुड़ रही है यो पहाड़ी। चाय की जरूरत पड़ गई है और ये भी तो इसलिए। और बाकी अभी ये जगह दादी कौन सी जगह है? धौलचिरा में पहुंचे हैं अभी हम। यहाँ से 2 घंटा और लगेगा अल्मोड़ा पहुँचने में, फिर उसके बाद हम जाएंगे नैनीताल को। या पहले कुछ खा लेंगे यार। हाँ पहले कुछ खा लेंगे, फिर वहाँ से निकलेंगे नैनीताल के लिए। और अब टेम्परेचर बहुत डाउन हो गया शरीर का भी और मौसम का भी, तो कॉमेडी बात जब चला रहे हैं तो इसके जो चश्मा है उसमें कोहरा आ जा रहा है, तो मैंने इससे कहा इसको वाइपर लगा लिया। वाइपर लगवा लिया चश्मे में, वाइपर लगवाना है इसके चश्मे में, तो कृपया दान दें इसको और ये वाइपर लगा पाए जिससे। ठीक है तो यार आगे चलते हैं, आगे अपने एक दोस्त से मिलेंगे डेविड से, उससे मिलकर चाय पानी पीकर दाल भात खाकर फिर निकलेंगे यो पहाड़ी। भूख लग रही है और इस एक कंजूस दोस्त को मैंने कहा भाई एक पिज्ज़ा खिला दे, तो भाई खिला दे पिज्ज़ा। पैसे नहीं है मेरे पास, ये साले की दुकान चल रही, हल्द्वानी में भी काम चल रहा है, इसका गांव में भी काम चल रहा, नौकरी चल रही, भाई कमा रहा, बौजू कमा रहे हैं, पेंशन आ रही है, इतनी कंजूसी मतलब क्या कहूँगा इससे। आप बताइए, आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपके भी कोई ऐसे कंजूस दोस्त हैं, गौर से देखे इस चेहरे को, इस कंजूस चेहरे को तो जरूर बताइएगा। यार मिल गया है देखे, ये आज ये बांडिया यार मिल गया है। सागर भाई जरा साइड में लगाइए गाड़ी। तो हमें हमारा दोस्त मिल गया है, ये भोजन भोजन पापा है आज ये। हाँ आप भोजन माता नहीं, भोजन पापा है। आओ चलो मिलते हैं डेविड भाई से। फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा, हमारे डेविड भाई एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह पे लाए हैं। आप अल्मोड़ा को आएंगे जब नीचे से रोड यहाँ नैनीताल की तरफ से आए, हल्द्वानी की तरफ से आए, तो चौसला करके जगह है राइट भाई, चौसली चौसली करके जगह है, तो ऑन द वे है और बहुत ही खूबसूरत एक सेल्फी पॉइंट बनाया है। देखिए नीचे फ्लैग्स भी लगे हैं और पीछे ये एक अच्छा फूड प्रोवाइड करते हैं और मुझे तो भूख लगी है, तो ये हमें फूड प्रोवाइड करने वाले हैं। और एक फैसिलिटी और है, मान लीजिए आप शौकीन हैं नॉनवेज के या फिर कुछ अपना स्पेशली बनाना चाहते हैं, तो इनको अगर आप रॉ मेटेरियल देंगे तो ये बनाने की फैसिलिटी भी रखते हैं, तो आप आइए और इन्जॉय करिए। और पीछे बहुत सारा स्पेस है पिकनिक और सेलिब्रेशन के लिए भी, काफ़ी अच्छा है, तो जुड़े रहिए। लेट हो गया, नाइट भी लेट हो गई है, बट क्या कहते हैं डेड भाई थैंक्स, तुमने इतना अच्छा हमें खाना खिलाया। आज ये भोजन पापा थे, भोजन माता तो नहीं, पापा थे। तो सागर भाई कैसा लगा आपको खाना खा के? बहुत बढ़िया यार। ठीक है छोटे भाई, थैंक यू आपको भी, आपको डेड भाई थैंक यू। अभी ये मैं इसको दिखा नहीं पा रहा हूँ, ये हमारे भाई दादा का नाम क्या है, दीपक लटवाल जी हैं। आप कहते हैं ऑन द वे आएंगे ना अल्मोड़ा को, तो कभी भी हाँ चौसली करके जगह है, तो ये इतनी अच्छी शॉप है, ये अपना बिल्डअप कर रहे हैं। और इसके पीछे बैक साइड भी मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, मैं लेट आया हूँ, तो बहुत अच्छा व्यू है, तो मैं चाहता हूँ आप दिल से वहाँ पर आए। हाँ हाय, तो ये दादा बहुत सपोर्टिव है, तो पूरा अरेंजमेंट बहुत अच्छे से है। तो अब हमको लेट नाइट हो चुका है, तो अब यहाँ से निकलते हैं। और डेविड भाई तुम्हारा थैंक्स दिल से। हाँ नाम इन्होंने सेल्फी पॉइंट रखा है, तो मैं चाहता हूँ इनको मेंशन करें आगे से, तभी दिखेगा। तो मैं अपने यार, ये बचपन का यार है हमारा, कभी भी आए तो संतोष का नाम लेके मेरे को फोन कर ले और बता दे, बस सही बात है। तो क्या कहते हैं डेविड भाई का थैंक्स कि इन्होंने हमें इतना अच्छा फूड प्रोवाइड किया, क्योंकि इतनी लेट लाइट मिल नहीं पाता। आपने दिखा था डे में, अब देखिए ये हाल हो चुका है, तो मैं 2 कदम पीछे जाऊँगा तो आप कुछ भी नहीं दिखेगा। तो जुड़े रहिए और पहाड़ियों को पहाड़ का सपोर्ट चाहिए, वो पहाड़ी खाना ना खाकर। और अब बरसात के
दिन के बाद जाड़ों के दिन शुरू हो ही गए, ठंडा हो रहा है। तो अब हम निकल चुके हैं नैनीताल के लिए अल्मोड़ा से। तो दोस्तों बहुत कठिन सफ़र है, बट फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको जितना दिखा सकें। बारिश अभी भी हो रही है कंटिन्यूस, कि शायद हम लोग की गलती ये थी कि हम लोग बीच में मौसम विभाग के जो लेटर वो देख पाए। तो आप भी, अब तो गूगल इतने इजी है कि आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कब क्या है। अभी क्या है, कंटिन्यू बारिश है और मौसम विभाग हमारे इतना अच्छा काम कर रहा है, जो एक्चुअल में जो बता रहा वही हो रहा है। तो हमारी जो गलतियाँ थी जो उसको नज़र बात करते हैं, बट आप ऐसी गलती कभी ना करें। तो हम निकल चुके हैं यहाँ से। आप होप मैं आपको खेलना या फिर सीधे नैनीताल पहुँच के दिखा पाऊँ कि हम पहुँच गए। तो इस ब्लॉग को ऐसे एक्सेप्ट करिएगा। यो पान अल्मोड़ा से काफ़ी आगे आ चुके हैं हम, खेलना के आसपास आने वाले हैं। तो ये देखिए, पता नहीं कि जाम क्यों इतना लंबा लगा हुआ है। वैसे हम पूरा भीग चुके हैं, पूरा बॉडी एग्जॉस्ट हो चुकी है, गड्ढों से वैसे परेशान है, हम आपको बता चुके हैं। तो आई विश कुछ ऐसा ना हुआ हो, क्योंकि बहुत पीछे जाना पड़ेगा अगर ऐसा कुछ हुआ होगा। तो हम वैसे परेशान चल रहे हैं, सगर थोड़ा दूर गाड़ी रखना, क्योंकि मतलब कितने का खतरा काफ़ी रहता है। ओके गाड़ी, और ये रोड इस चीज़ के लिए काफ़ी फेमस है। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं यहाँ मलबा आ चुका है। सबने गाड़ी रोकी है, सब कुछ खतरा है। सगर बी सेफ। राजू क्या हुआ, पत्थर तो गिरे क्या? चलो। हाँ दादा क्या हाल है? हाँ दूर दूर रहना, क्योंकि इधर एक फ्लो में निकालनी पड़ेगी भाई। दादी जाने लायक है, भागो भागो। सागर चलो, मुझे पता है क्या करना है, चल। हाँ बोल दिया, बोल रामचंद्र की जय। ये एक गलत स्टेप, बट हम चाहते हैं कि फ्लो में निकल जाए। सागर हाँ चल सागर, निकल 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 सागर, तेज कोई जगह नहीं, घबरा मत घबरा मत, गिरने दे उनको, गिरने दे, चल 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 चल, शाबाश शाबाश शाबाश, बड़े घर लपड़े घर डाल दे गड्ढे, कोई जगह नहीं, थोड़ा फ्लो रख फ्लो रख फ्लो रख, हाँ तेज निकाल तेज निकाल, हाँ शाबाश, दूर रख जितना पहाड़ी से हो। तो दोस्तों मैं कुछ दिखा नहीं पाऊँगा, अभी थोड़ा गड़बड़ हो रही है। तो तरते तरते मरते पड़ते हम पहुँच चुके हैं कैची धाम नीलकोरी महाराज के यहाँ पर। महाराज की कृपा से सफ़र अच्छे से हो गया। क्या होता हूँ, बजट कम है ना, गोप्रो है ना कुछ है, ये वैसा वाटरप्रूफ फ़ोन भी नहीं है, फिर भी हम कोशिश करेंगे आपको दिखावा। देखिए किस लेवल की बारिश है, बहुत ही हाई लेवल की बारिश हो रही है, ये रेड अलर्ट हो चुका है। और ये हमारी गलती मजबूरी, आप कुछ भी समझें कि हमें ट्रैवल करना पड़ रहा है। प्लीज़ आप लोग जब तक जरूरत ना हो ट्रैवल ना करें। बोलो नीम करौली महाराज की जय। महाराज जी भवाली पहुँच चुके हैं। सागर चाय के लिए पूछने गया है, मेरा तो बिल्कुल मन नहीं है, मुझे है कि घर जाऊँ फटाफट और इस जगह हाथ का खाना खाऊं और टन्ने चालीस हो जाऊं। मुझे पता नहीं कैसी चाय की तलब है, ये पहाड़ में ना चाय की तलब तो होती है, आप लोगों को भी है तो बताइएगा। अब भवाली से मात्र 10 किलोमीटर हमारा शहर आ जाएगा, हमारा प्यार आ जाएगा नैनीताल। और धन्यो आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे साथ दिया हमारा। और श्रोताओं जुड़े रहिए और बताइए अब आगे आप क्या देखना चाहते हैं। आज की गलती और आज की मजबूरी के लिए आपसे सॉरी है। तो वाइंड अप टाइम है, रात को 2:10 और हम पहुंच चुके हैं घर। तो गुड नाइट।